कहाँ रह गई भाई? आ गई बस आप ही के लिए चाय बना रही थी। एक तो एक कप चाय बनाने में आधा घंटा लगा देती। फिर मैं क्या करती, गैस ही कम आ रही थी। लो जी, हाँ हाँ तुम्हारे बहाने तो हर वक्त तैयार रहते। मैं भला बहाने क्यों बनाऊंगी, मैं तो सिर्फ आपके लिए चाय बना रही थी और साथ में साबिर भाई का गाना भी सुन रही थी जो अपनी बेगम के लिए गा रहे थे। मतलब बंद दरवाजे के बाहर कान लगाकर खड़ी थी तुम? मैं क्यों कान लगा के सुनूंगी, वो तो गाय इतना जोर जोर से रहते कि बाहर तक आवाज आ रही थी। एक बात बताओ, ऐसी छिछोरी हरकत ऐसी उम्र में क्या जेब देती है? अपनी बीवी की तारीफ करना, उसे प्यार जताना कोई बुरी बात तो नहीं है, और प्यार तो हर उम्र में जताना चाहिए। बस एक आप ही है जिसने कभी अपनी बीवी से किसी भी उम्र में प्यार नहीं जताया। शुरू हो गई तुम्हारी शिकायत। वैसे कौन सा गाना गा रहा था? चौदवी का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। रहने दो रहने दो, खामखा अपने गले को क्यों तकलीफ दे रही हो? वैसे मुझे ना ऐसा लगता है कि ये गाना किसी औरत ने किसी मर्द के लिए लिखा हो, क्योंकि इस किस्म का गाना किसी खातून के लिए तो लिखा जा ही नहीं सकता। आपने तो गाने में ही नुक्स निकाल दिए। अच्छा यार ये फिजूल की बातें छोड़ो, मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ। बोलिए क्या बात है। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा कि अजीम आखिर करना क्या चाहता है। क्या मतलब है आपका? जाने कौन सा खेल खेल रहा है। कोई बात हुई आपकी उससे? तुम्हारी कोई बात हुई है उस नार से इस सिलसिले में? अजीम ने उससे कुछ कहा? नहीं तो, बल्कि अजीम तो जब से आया है तब से हुसैन आरा से बहुत दूर दूर भाग रहा है। मैं हुसैन आरा से शादी नहीं करूंगा। शायद तुम भूल रहे हो कि तुम मेरी बहन की बात कर रहे हो और मैं तुम्हें ऐसा हरगिज नहीं कर रहे। हरगिज नहीं सुनते। छोड़ो, अरे क्या? मैं कह रहा हूँ छोड़ो, छोड़ो यार, मैं कह रहा हूँ ना, क्या हो गया तुम्हें? उसने तो अभी तक उस बेचारी से उसकी खैरियत तक भी ठीक से नहीं पूछी है। उस दिन ऑफिस में अजीम से बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था मेरा। क्या? पर क्यों? हाँ भाई अब बात निकल आई है तो। खैर शमीम, ये बात तो उसने आरा नहीं सह पाएगी, वो तो मर जाएगी। मैं अभी से बात करके आ रही हूँ। तुम उससे कुछ नहीं कहोगी? शमीम, मैं उसके आगे हाथ जोड़ूंगी, उसके पैर पढ़ लूंगी, अपनी बहन की खुशियों की खातिर भीख मांग लूंगी उससे। इस बार मेरी बहन ये सब नहीं झेल पाएगी, वो वाकई मर जाएगी। मैंने कहा ना तुम कुछ नहीं कहोगी। देखो निकाह सर पर है, अभी तक उसने अम्मा भी से भी कुछ नहीं कहा, तो मेरी तो समझ भी नहीं आ रहा आखिर वो चाहता क्या है। वो तो कुछ भी नहीं कह रहा है, ये भी तो हो सकता है कि गुस्से में कहती हो। मैंने कहा ना कुछ समझ भी नहीं आ रहा वो क्या चाहता है क्या कर रहा है। बस तुम फिलहाल हुसनारा से कुछ मत कहना, क्या पता वो अपना इरादा बदल दे। अजीम बेटा अभी तक तैयार नहीं हुए हो तुम? अरे भाई तैयार हो जाओ जल्दी, जमात का वक्त हो रहा है, सबको जाना है नमाज के लिए। मुझे आप लोगों से जरूरी बात करनी थी। अब क्या बात करनी है तुमने, खैरियत तो है ना? मैं ये शादी नहीं कर सकता। तो क्या बकवास कर रहे हो तुम, पागल हो गए हो क्या, अनाप चनाप बके जा रहे? देखो अजीम, तुमने जितना हमें परेशान करना था ना तुमने कर लिया। अब अगर तुमने कोई भी ऐसा फैसला हमें सुनाया जिससे हमें परेशानी होगी या तकलीफ होगी तो याद रखना मैं मरते दम तक तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगी। आप लोग मेरी बात समझने की कोशिश तो करें। बस अजीम, अब और कोई बात हम नहीं सुनना चाहते। तो गई है, तो मैं वुजू करके आता हूं। अब्बा मियां, यार कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। अब से देख रहा हूँ वही खड़े हो, कर लो यार कोई काम। चार लगानी है ना एक साइड पे। क्या कर रहे हो तुम, जाओ आराम करो थोड़ी देर, सुबह से लगे हुए हो। वाह अम्मा भी, और मैं जो सुबह से मजदूर बना हुआ वो कुछ नहीं है, ऐसे सही बात है,
जो पहली औलाद होती है वो पूरे खानदान को बहुत पसंद होती है। शट अप, दादी से ऐसे बात कर रहा, इल्जाम लगा रहा, वो सबको बराबर चाहती है। बहुत मजे की मक्खन मलाई वाली चाय बनाई। संभल के गिर जाएगी अभी। ये ले अम्मा भी आपके लिए। शुक्रिया बेटा, जीती रहो। और ये मेरी प्यारी अम्मी के लिए इलायची वाली चाय, ये ले। वाह अम्मी, आज तो आप सबसे पहले तैयार होगी और इतनी प्यारी भी लग रही हैं आप। अच्छा, अब ज्यादा मुझे मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है, मेरा फैसला नहीं बदलेगा। अच्छा बस अब जाने भी दो, इतनी पाबंदियां लगाओगी इसके ऊपर तो ये अपने आप को कैदी समझने लगेगी। कैदी नंबर एक, हाजिर हो। कैदी नंबर दो जेल तोड़ के भाग गया। आप लोगों को मैंने इतनी अच्छी चाय बना के दी है और आप लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। खबरदार जो तुमने मेरी बच्ची को तंग किया, थोड़ी सी सेंसिटिव है, बड़ी होते होते ठीक हो जाएगी। अरे लो, अब तो इतनी बड़ी हो गई है ये, इसकी तो अब शादी करने का वक्त आ गया है। खुदा के लिए अम्मा भी, अब इन बच्चों की शादी आप हमारी तरह 16 साल की उम्र में ना करा दीजिएगा, कम से कम 24-25 साल के हो जाए फिर सोचे। खुदा के लिए चाची जान, रहम करें हाशिम भाई पर, अब क्या मजीद इंतजार करवाना है आपने इन्हें? इंतजार मुझसे तो नहीं होता, मैं सोच रहा हूँ इससे पहले अजीम जाए इनकी शादी करी दूं। अजीम, अजीम कहाँ जा रहा है बेटा, कहाँ जा रहा है मेरा अजीम? वो अब क्या बात है साबिर भाई, आप चुप क्यों हैं, बताइए ना कहाँ जा रहे हो? नहीं मेरा मतलब है, जब उसकी शादी होगी तो हनीमून पे तो जाएगा ही ना अपनी बीवी के साथ, तो इसलिए कि मुंह से निकल गया। शुक्र है, तुमने तो मुझे बिल्कुल डरा ही दिया कि मेरा बच्चा पता नहीं कहाँ जा रहा है। बिल्कुल, मेरी भी जान निकल गई थी। चले चलो, जल्दी जल्दी काम खत्म करो, जो कुछ भी करना है, और भी बहुत सारी चीजें देखें। आप अंदर बैठे, हम अभी हम करके आते हैं। मुझे तो चाहिए, मेरे लिए भूल गई हो ऐसे, ले आना एक कप प्लीज। अबू आप भी बैठे ना अंदर। नहीं मैं ठीक हूँ, ये देखूँ जरा इंतजाम। खाने वाले से हुई थी बात? जी हो गई। कब तक आएगा? 7 बजे। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही हो, जानती हो इस दिन के लिए मैंने कितनी दुआएं मांगी और आखिरकार ये दिन आई है। बस नारा, तुम तो जानती हो मैंने हमेशा तुम्हें सगी बहन से ज्यादा माना है। मुझे पूरा यकीन है अगर मेरी कोई बहन होती ना तो बिल्कुल तुम्हारी तरह होती। मैंने भी अब आपको अपने सगे भाई से ज्यादा चाहा है भाई साहब। देखो सुनारा, आज तुम एक नई जिंदगी का आगाज करने जा रही हो। अगर मुझसे या इस घर के किसी भी फर्द से कोई ज्यादती हुई हो तो माफ कर देना और अपनी नई जिंदगी में कदम रखना। ठीक कह रहा है शमीम, हुसनारा और जहानारा दोनों को इस घर में लाने से मेरी बेटियों की कमी पूरी हो गई। बस दुख ये था कि हुसनारा को अपनी बहू नहीं बना सकी, पर इंशाल्लाह आज ये खुशी भी मिल जाएगी। हुसनारा, अजीम ने तुम्हें बहुत इंतजार करवाया है, सारी जवानी तुम्हारे उसके इंतजार में गुजर गई है, मगर बेटा अब तुम्हें इस सब्र का फल मिल रहा है। पुराने दौर को भूल जाओ और अपनी खुशियां समेट लो, इस घर को खुशियों का गहवारा बनाओ। मेरी दूसरी बहुओं की तरह से अब तुम पर भी जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी, क्योंकि बेटा अब तुम बेटी से बहू का सफर तय कर रही हो। आप लोग बेफिक्र हैं, मैं अपनी जिम्मेदारियां पूरी खुश असलूबी से निभाऊंगी इंशाल्लाह। जीती रहो बेटा, अल्लाह तुम्हें बुरी नजर से बचाए। देखिए मोहब्बत सतरंगी पीर से जुम्मा रात 7 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर। कोई तो चेहरा होगा उसका, कोई तो शनाख्त होगी। कौन है यहाँ पे? कौन है जुम्मत? कौन है? पूजा। ऊंचाई से डर लगता है। वो टीचर नहीं है, वो एक कातिल है। कत्ल के वक्त तुम यहीं थे।
मैं कह रहा हूँ मैंने किसी का कत्ल नहीं किया। जिस दिन से मारे तो जल्द मुलाकात होगी तुमसे।